नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल द लाइफ सीक्रेट्स में। दोस्तों, हमारी दुनिया में करोड़ों प्रजातियां होने के बावजूद हम इंसान ही इतने आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे पास खुद का विकास करने की क्षमता थी। लेकिन दोस्तों, इतने विकास के बाद भी हम बाकी जीवों के बारे में सब कुछ नहीं जान पाए और हमें हर रोज ऐसी नई चीजें देखने मिलती है जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होती। आज हम ऐसे ही जानवरों के कुछ अजीबोगरीब बर्ताव देखेंगे जिन्हें देखकर आप हैरान तो रह जाओगे, लेकिन साथ में आपको एक इंसान होने पर शर्म भी आएगी क्योंकि वो इंसान ही है जिनके कारण जानवरों को भी गलत चीजों की आदतें लग गई। तो बने रहे आखिर तक क्योंकि आप भी देख पाए कि इंसान कितना मूर्ख है जानवरों के तुलना में। बंदर। दोस्तों, विज्ञान की माने तो हम इंसान एक बंदरों की ही देन है। वैसे इस पर बहुत डिबेट होता है लेकिन प्रथम दर्शनी तो यही लगता है। लेकिन दोस्तों, भारत के इन बंदरों के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट देखकर तो बंदर इंसान का ही दूसरा रूप है ऐसा साबित हो जाएगा। उन बंदरों के साथ एक रोबोट बंदर को रख दिया गया। उस अकेले लंगूर को देखकर एक माता उसे बहलाने लगी। वैसे तो बंदर के बच्चे अपनी माँ को कस के पकड़ते हैं, लेकिन वो रोबोट होने के कारण उस माता के हाथ से गिर जाता है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो उसे लगता है उसकी गलती की वजह से वो बच्चा मर गया। हैरानी की बात तो ये हुई कि वो उसे उठाकर रोने भी लग गई और उसे एक ऊंची जगह पर ले जाकर रख दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। सभी बंदर उस रोबोट बंदर के बाजू में इकट्ठे हो गए। कुछ उसे हाथ लगाकर तो कुछ उसे सूंघ कर ये पता लगाते थे कि वो जिंदा तो नहीं। दोस्तों, उसे देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि वो उसे अंतिम बार देखने के लिए आए हो, जैसे हम कोई इंसान मरने के बाद जाते हैं। लंगफिश। दोस्तों, ज्यादातर मछलियां पानी से बाहर आने के कुछ समय बाद ही अपनी जान गंवा देती हैं, लेकिन लंगफिश एक ऐसी मछली है जो पानी से बाहर आने के बाद भी कम से कम 2-3 साल तो जिंदा रह सकती है। अफ्रीका देश में पाई जाने वाली यह मछली किसी तपस्वी की तरह अपनी क्षमता को बढ़ाना सीख गई है और अफ्रीका की गर्मी के चलते भी वो अपने आप को जमीन के अंदर जिंदा रख लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिना पानी के तो ज्यादातर जीव और साथ ही मछली स्थलांतर कर लेते हैं। जब पानी खत्म होने लगता है तब ये मछली उस कीचड़ में 15 से 20 सेंटीमीटर का होल बनाकर उसमें घुस जाती है और अपने मुंह से ऐसा पदार्थ निकालती है जिससे इनका पूरा शरीर कवर हो जाए। पूंछ के फैट्स को खाने में तब्दील करके कई सालों तक एक बिल से हवा लेकर सर्वाइव करती है। लेकिन कभी कभार लोग इन्हें मिट्टी से उठाकर और ईंटें बनाकर अपने घरों में लगा देते हैं। जब तेज बारिश होगी तो ये वहां से बाहर निकलकर एक आम मछली बन जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने ऐसे जानवर देखे जिन्हें कुदरत की वजह से ही ऐसा करना पड़ रहा था, लेकिन अभी हम ऐसे जानवर देखेंगे जो ना चाहते हुए भी किसी चीज का शिकार होते हैं या फिर इंसानों की वजह से उनको कोई एडिक्शन हो जाता है। दोस्तों, जब गर्मी का मौसम आता है तब सभी जानवरों को इंतजार रहता है मरूला के पेड़ पर फल लगने का। जब मरूला का पेड़ फलों से भर जाता है तो सभी जानवर उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, लेकिन बंदर और हाथी के सिवा कोई भी ये नहीं खा पाता। कुछ दिनों बाद जब वो ज्यादा पक जाते हैं तो वो अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं और तभी जंगल का हर एक जानवर उसे खाने चला आता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। 1 से 2 घंटों बाद ये फल उन जानवरों के पेट में सड़कर एक अल्कोहल यानी कि शराब में तब्दील हो जाते हैं और वापस जाते वक्त इन जानवरों की हालत कुछ ठीक नहीं होती। जैसे कि इस बंदर पे इस कदर नशा छाया है कि वो चलने की वजह सीधे लोटपोट हो रहा है। दोस्तों, हाथी हो, ऑस्ट्रिच हो या फिर जिराफ, कोई भी इस मरूला फ्रूट के चंगुल से नहीं बच पाता। सुअर का तो क्या कहना, अपने पूरे परिवार को लेकर नशा करके इसकी तो बजने वाली है। इन जानवरों को देखकर अपनी हंसी रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, लेकिन अगला वीडियो इसके जैसा मजेदार नहीं है जिसमें कुछ मूर्ख लोग एक बंदर को मजाक के लिए शराब पिलाते हैं। शराब इंसानों के लिए हानिकारक है ही, लेकिन जानवरों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पर जिनमें कुछ बदमाश लोग बंदरों को शराब पिलाते दिखाई पड़ते हैं।
इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जिनमें बंदर सिगरेट पीते हुए पकड़े गए हैं, क्योंकि कुछ लोग किसी जू में बीड़ी या सिगरेट फेंकते हैं, इसलिए उन्हें ये सब नशे करने की आदत सी लग जाती है और फिर वो दूसरों से भी सिगरेट की मांग करने लगते हैं। वैसे तो हमें जानवरों से कई गुना ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे जानवर हमसे अधिक ज्ञानी साबित होते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान और जानवर करीब आ रहे हैं, वैसे ही जानवरों में भी इंसानों की बुरी आदतें शामिल हो रही है। इसलिए आप कभी भी किसी इंसान को जानवर के साथ ऐसी हरकत करते देखे तो तुरंत उसे रोक देना, नहीं तो जानवरों की हालत भी इंसानों की तरह नशेड़ी बनने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और नहीं आया तो डिसलाइक करने से भी मत कतराना। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।